degrees of correlation, like we discussed it that day. Correlation coefficient measures the degree of correlation. Degree of correlation means do variables aapas mein kis extent tak related hain, theek hai, usko hum bolte hain degree of correlation. Aapko fever hai to aap apna temperature check karte hain. तो अगर 100 डिग्रीज है आप कहते हो कम है, 102 है तो आप कहते हो ज्यादा फीवर है, ऐसी है ना. इसी तरह से कोरिलेशन की डिग्री मेजर करनी है किससे, कोरिलेशन कोफिशिएंट से. आप अपने बॉडी की टेम्परेचर की डिग्री मेजर करते हो थर्मामीटर से, तो दो वेरिएबल्स के बीच में जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो मेजर की जाती है कोरिलेशन कोफिशिएंट से. ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो आंसर आपके पास आएगा उससे आपको ये पता चलेगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. सो लेट्स से इफ इट कम्स आउट टू बी +1, अगर आर कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. अगर राघव स्टैंड अप, आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट पीरियड एज वेल, यू डोंट नो, ओके यू लीव द क्लास. सो इफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट कम्स आउट टू बी 1+1, वी से दैट देयर इज परफेक्ट कोरिलेशन, परफेक्ट एंड कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड Why? On the other hand, if it comes out to be -1, what do we say? There exists perfect and negative correlation between x and y. Second case, if your r comes out to be in between 0.75 to 1, then there is high degree of correlation between x and y. High end, if your answer lies in between -0.75 to -1, there is high degree and negative correlation between x and y. अगर आपका r जो है उसकी value 0.25 से ज्यादा है और 0.75 से कम है, that is it lies somewhere in between these two values, then there is said to be moderate and correlation between x and y. And if the value is in negative terms, moderate and negative correlation. ठीक है, अगर r की value 0 से ज्यादा और 0.25 से कम है, ठीक है, तो कौन सी correlation होगी, low degree. अगर positive में है तो positive and low, अगर answer negative में है तो negative and low. On the other hand, if r comes out to be 0, no correlation. So बेटे यहां से ये पता चल रहा है जितना आंसर 1 के नजदीक है उतनी हाई कोरिलेशन है, जितना 0 के नजदीक है उतनी लो कोरिलेशन. ठीक है, नाउ अगेन हाउ टू कैलकुलेट r, ये पता चल गया कोरिलेशन किससे मेजर करनी है, r से. r क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. अब इसको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है, सो देयर इज वन मैथमेटिकल मेथड गिवन बाय कार्ल पियर्सन, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद दैट. राइट डाउन कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इससे पहले बेटे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया, स्टैंडर्ड डेविएशन को भी कैलकुलेट करने का एक मेथड नहीं था, अलग अलग मेथड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन सीरीज, सो इसमें भी अलग अलग मेथड्स हैं, लेकिन
जो ओरिजिनल फॉर्मूला है जो कार्ल पियर्सन ने दिया है. अब पहली बात क्या याद रखनी है, दिस कोफिशियंट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. ठीक है, कैपिटल आर भी नहीं लिखना, स्मॉल आर लिखना है. एंड द फॉर्मूला इज आर इक्वल्स कोवेरियंस एक्स वाई ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. हियर वी आर मेकिंग यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब एक चीज को निकालने के लिए हम दूसरी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज कर कैलकुलेट करने के लिए हमने मीन का इस्तेमाल किया था, मीन. अब स्टैंडर्ड, अब कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल कर रहे. ठीक है, विच मीन्स दीज आर केपेबल ऑफ फर्दर एलजेब्रिक ट्रीटमेंट. एक हम मेरिट करते हैं तब शायद आपको समझ में नहीं आता, इट इज केपेबल ऑफ फर्दर एलजेब्रिक ट्रीटमेंट. सो हेयर फॉर कैलकुलेटिंग कोरिलेशन वी आर मेकिंग यूज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, विच मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज केपेबल ऑफ फर्दर एलजेब्रिक ट्रीटमेंट. ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, इसको हम अलग अलग मेथड से जब निकालते हैं तो हम इससे कुछ फॉर्मूलाज अलग डिराइव करते हैं. डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैं आई विल कम स्ट्रेट टू द फॉर्मूला. फर्स्ट एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल एक्चुअल मीन मेथड, write down r is equal to summation x y small x kitna hai small y kitna hai. theek hai, small x small y upon summation x square another root into summation y square under the root. Now what is x here? X is x minus x bar. Small x multiplier 20. एक अंडर रूट के नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि ये ओरिजिनल फॉर्मूला है. ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन अंडर द रूट, यहाँ पे समेशन अंडर रूट वाई, तो कट कट करके अलग अलग अंडर रूट आते हैं इसीलिए. ठीक है, ये डिराइव्ड फॉर्मूला है, अदरवाइज मैथमेटिकली मेक्स नो डिफरेंस. हाँ जी, अब मैंने आपको बोला स्मॉल एक्स. हाँ जी बता. अब यहाँ पे मैंने स्मॉल एक्स लिखवाया, क्यों लिखवाया, इसके पीछे क्या मकसद है? अगर मैं एक्स वाई लिखवाती तो इसका मतलब ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर. नो, दिस इज एक्चुअल मीन मेथड. ठीक है, मतलब आपको मीन से डेविएशन लेनी है. सो स्मॉल x यहाँ पे क्या है, x माइनस x बार, यानी सारी वैल्यूज की डेविएशंस x बार. ठीक है, x को y से नहीं मल्टीप्लाई करना, स्मॉल x निकालेंगे, स्मॉल y निकालेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट इज स्मॉल x एंड व्हाट इज स्मॉल y? ठीक है, ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो. R equals summation x y over summation x square under the root. Rajit, have you noted down the formula? Into summation y square under the root, where x is equal to x minus x bar. This also you have to write down. Y equals y minus y. Okay, I told you even though derivation is not in your syllabus still. मैं एक मेथड की करवा देती हूँ आपको ऑन योर डिमांड. कोवेरियंस, कोवेरियंस क्या होता है,
समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार ओवर n, ये कोवेरियंस का फॉर्मूला, ठीक है, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन x, स्टैंडर्ड अगर मैं इधर लिखूं, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल मीन से सिग्मा x माइनस x बार होल स्क्वायर ओवर n अंडर रूट समेशन y माइनस y बार होल स्क्वायर ओवर n अंडर रूट n इनटू अंडर रूट n, n n कैंसिल्स विद n, ठीक है, वी आर लेफ्ट विद समेशन x माइनस x बार y माइनस y बार इन ओवर समेशन x माइनस x बार होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये बचा ना बेटे, और इधर क्या बचा, समेशन y माइनस y बार होल स्क्वायर अंडर द रूट, दिस एंड दिस आर सेम, ओनली डिफरेंस यहां पे हमने रिप्रेजेंटेशन अलग की, इसको भी चाहे आप ऐसे लिख लो कोई फर्क नहीं है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो x minus x bar y minus y bar over summation x minus x bar whole square under the root y minus y bar whole square under the root, okay, so simplify the question because you are concerned with finding correlation, उसने टाइप करके आपको रिजल्ट दे दिया, जिस तरह से आपके पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, आप डेटा पुट करते हैं, सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटोमेटिकली आपको उस फॉर्मेट में दे देता है, ऐसे ही होता है ना, उसी तरह से अब आपके पास ये है फॉर्मूला, यू यूज द फॉर्मूला एंड फाइंड इट आउट, ठीक है बच्चे, दिस इज एक्चुअल मीन मेथड, सो नाउ फ्रॉम योर प्रीवियस लर्निंग कैन यू टेल मी व्हेन टू यूज दिस मेथड, when x bar and y bar are whole numbers, why not when they are in fraction, difficult होती, ऐसा नहीं है कि answer नहीं सही आएगा, answer ठीक आएगा, आपको calculate करना x में से x bar आया 9.685, तो मैं बोलूँ आप minus 11 minus 9.689 करो, difficult हो जाएगा ना, अगर 9 आया 11 minus 9 इजी हो जाएगा, तो when to make use, लिख लो, this formula or this method is to be used when x bar and y bar are whole numbers, are whole numbers, I'm writing down one question, calculate Carl Pearson's coefficient of correlation from the following data. Write down, Harleen. Calculate Carl Pearson's coefficient of correlation from the following डेटा, एक्स की वैल्यूज गिवन है, एक्स कुड बी एनीथिंग, हाइट हो सकता है, वेट हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, अकाउंट्स के और इकोनॉमिक्स के मार्क्स के बीच में हमें कोरिलेशन देखनी है, अरे कोई फर्क नहीं पड़ना बेटे, इतना नहीं घबराते होते, कहते हैं सबसे पहले मुश्किल वाले काम करने चाहिए, समुद्र पार करो खड्डे पार होते रहेंगे,
तेरा स्लो प्रोसेसर ही है, अपडेट करा अपने सॉफ्टवेयर को। लिखते ही नहीं हो आप, सामने नहीं लिखते। जब मैं कहूं मैम समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को, क्या समझने बेटे, नोट डाउन नहीं करना है। यू हैव नॉट स्टार्टेड। पास पास बनाएंगे कॉलम्स, पूरा समय एक ही पेज पे आए। आगे कौन सा मेथड यूज करना है, एक्चुअल मीन, ये फॉर्मूला दोबारा से लिख लो। स्मॉल एक्स चाहिए, व्हाट इज स्मॉल एक्स, एक्स माइनस व्हाट इज एक्स बार, कैसे फाइंड आउट करना है। एक्स बार इक्वल्स समेशन एक्स ओवर एन, तो टोटल ले लें। फाइव फिफ्टी ओवर टेन, एक्स बार कम्स आउट टू बी 55। बेटे नो नीड टू लुक एट द बोर्ड, टोटल अपने आप करो। सिमिलरली सिग्मा वाई में कैलकुलेट कर रही हूं, y बार समेशन y अपॉन n 340 अपॉन 10। जी मैंने सारे मेथड्स कराने बेटे आपको, उसका फॉर्मूला डिफरेंट है, वन बाय वन चलना है। एनी मेथड यू कैन यूज, यू हैव टू यू नो y बार को थोड़ी ना, y बार तो होता ही एक्चुअल है, y बार का मतलब एक्चुअल मीन है, जब उसको एज्यूम किया तो एज्यूम्ड मीन है। करेंगे पर अब पहला मेथड कर रहे हैं, डोंट ऑलवेज फाइंड फॉर शॉर्टकट्स, पहले रास्ते पता होना चाहिए फिर ही शॉर्टकट फाइंड आउट कर सकते हो। ऑल राइट, x माइनस x बार, x माइनस 55, राघव सिट स्ट्रेट, 50 माइनस 55, 54 माइनस 55, करते जाइए, मेरे को मत बताओ, करते जाओ, वाई का भी करो। ठीक है, x की वैल्यूज आ गई, इसका टोटल नहीं करना, इसका टोटल जीरो ही आना है। जब भी x की डेविएशंस x बार से ली जाती है उसका टोटल हमेशा जीरो होता है और हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। स्मॉल y, y माइनस y बार 34, 20 माइनस 34, समेशन एक्स कितना आ रहा है, 600 है। सिक्सटी से डेविएशंस ले लो, ठीक है।
Now we need x into y. We need x square. No talking. We also need y square. Karo. Do it on your own. Board पे मत देखिए, अपनी notebooks पे देखिए बेटे. X into y. Do it on your own. क्या देख रहे हो हरलीन? आपने क्वेश्चन लिखा नहीं है? What happened? टोटल चेक करो. आप क्लास में भी आके आपका मन नहीं करता पढ़ने को, घर में तो आप क्या करोगे? डन, टोटल हो गए आपके. आपने टोटल फाइंड आउट कर ली? फिर हाथ पे हाथ धर के मत बैठा करो. कहां पे? कहां पर? x into y, ये वाला. हाँ, check the total now. So relaxed you people are. It's such an interesting subject. बच्चे फटाफट करके आंसर बताते हैं. प्लस माइनस है. यस रजत. टोटल बताइए. समेशन एक्स वाई 640, समेशन एक्स स्क्वायर 400 है, समेशन वाई स्क्वायर चेक करो 816 और 916. Do not talk. Okay, what is summation y square? जल्दी याद आ गया.
क्या रहा इसका आंसर? वन जीरो वन सिक्स। अब देखो, अब आपने अंडर रूट अलग अलग नहीं निकालना, मल्टीप्लाई करके एक काम आसान करना है अपना, मल्टीप्लाई कर लो बेटे। दो अंडर रूट निकालने प्रेफर करोगे कि एक? ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई तो बाद में भी करना पड़ेगा, अगर अंडर रूट अलग अलग निकाले तो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको और एक सिंगल स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, सो हियर आई एम मल्टीप्लाइंग इट। 1016 इंटू 412। सो जिनको नहीं आती मल्टीप्लीकेशन वो देख लीजिए। यस राघव, मैंने फोर्थ टाइम आपको टोक रही हूं। यू डू योर ओन वर्क, दैट्स माय जॉब टू टीच हिम एंड आई थिंक आई एम डूइंग गुड, देन नो नीड। देखो ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 418। अब क्या करेंगे? अंडर रूट 418592। हाउ टू फाइंड आउट अंडर रूट? पेयर कहां से? 6 6 आर हरलीन, वेरी गुड बेटे, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। पढ़ने के टाइम पे भी आप पढ़ नहीं रहे हो, शाबाश। 6 into 2 12 को किससे मल्टीप्लाई करें? 4 से आ सकता है, 4 से जाएगा ये 496। वी आर लेफ्ट विद 89। पेयर उतर जाएगा 64 का डबल, इसको 4 से 128 किससे जाएगा देखो? 5 से ऊपर 6 से जाएगा, 6 point something। Find out the answer. We'll continue.